ही एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है निजी सरोज ब्लॉग। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, ये वाला जो मेरा ब्लॉग है वो मेरा इससे पहले वाला जो ब्लॉग था यूला कंडे वाला, उसका पार्ट टू है। तो इसी तरह से बने रहना एंड तक। तो चलिए। ओ यार, फोटो नहीं। होता क्या है ये टोपी ऐसे लगाने से, बताओ ना। नहीं पता आपको? तो पता नहीं है। अच्छा डाला। अच्छा, हाँ वो तो है। एक फंस गया। तो ये मेरी टोपी यहाँ तक तो चली गई है, टेंशन तो नहीं हो रही है मुझे। हाँ देखते हैं ये टोपी कहाँ पे जाके रुकती है। बनाना ना वीडियो वहां से। पाप भी किया हुआ है, भी नहीं किया थोड़ी होगा, क्या पता कितना पाप किया हो। कोई बात नहीं, होने दो। रुकी नहीं है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो मैं तरह वो करूँगी ना, पाप कम कर लूँगी। अभी जो ये पानी पानी में जो टोपी, हाँ फेंक रहे ना। हाँ ऐसे आएगा ना, ऊपर से लगाना पड़ता है, उसका जीवन के लिए अच्छा होता है। अगर सीधा रहेगा तो ना, जैसे लगाया वैसे रहा तो, अगर उल्टा होगा तो गद्दी सा जैसे होता है। अच्छा ठीक है। आप ही कहाँ से आप? मैं शौंग की। इतना दूर कैसे आए फिर आप? नहीं शादी युला में। नहीं ना मत, अच्छा युला में शादी आपकी? अच्छा अच्छा, मेरा पोतरे है ये, तो बेटी का पोतरे है। अच्छा ठीक है। दो के साथ, दो दो बेटा का 10 पोतरे। अच्छा युला से? युला से। युला से कितना टाइम लगता है अभी? इतना ही भी तो वहाँ से ऊपर। आप तो चल चल के है ना, चल चल के, तभी आदत है आपको। अब के साल मैं बीमार थी ना, तब लेट हो गया। कितना साल हुआ आपको यहाँ पे आते? कितने सालों से आ रहे हैं? हमेशा आते? हर साल? अच्छा ठीक है। बाहर जाती हूँ मैं, यहाँ से परे, यहाँ से परे 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 जाके फूल उठाती हूँ। अच्छा कब उठाते हो फूल? सुबह जाके। अच्छा आज ही उठाते फूल? अच्छा। सो फ्रेंड, हमें आपी जी ने बता दिया है ये टोपी किस लिए लगाते हैं। अगर ये टोपी ऐसा सीधा ही रहे तो उसके लिए अच्छा रहेगा, मतलब जिनकी टोपी है उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये पलट जाए, मतलब कि उल्टा हो जाए, तो उसके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आने वाली हैं।
तो देखिए फ्रेंड, अब दिन के टाइम में जो यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। अभी तो और आ ही रहे हैं और सारे एक एक करके दर्शन करके वापस जा रहे हैं। सुतं केशवं कृष्णदामोदरम्, सुतं केशवं कृष्णदामोदरम्, सुतं केशवं कृष्णदामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तो श्रद्धालु आ ही रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही है। तो हमने तो कर लिया था सुबह ही दर्शन, तो हमने सोचा यहाँ पे बैठकर भी क्या करना, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा चलने का है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और उतराई में तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो हमने सोचा धीरे धीरे हम निकल ही जाते हैं, तो हम चल पड़े यहाँ से वापस। अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम हमें कब
आने का मौका मिलेगा और कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर आने का, पर कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, बट हम वहाँ पे नहीं जा रहे कुछ। सो फ्रेंड ये देखिए, ये है हमारे यहाँ का लोकल धूप, जिसको हमारी लैंग्वेज में शुरतो बोलते हैं। और ये जो धूप है, ये हमारे जो देवी देवता है उनकी पूजा के लिए यूज़ किया जाता है। तो पिछली बार जब मैं रंगरिक गई थी, वहाँ पे भी मैंने आपको ये धूप दिखाया था, पर वहाँ पे जो धूप था वो पेड़ थे उसके, और यहाँ पे झाड़ियों की तरह है। तो ये पर है वही धूप, बाकी नाम तो मुझे नहीं पता, हम तो शुरतो ही बोलते हैं इसे। इस धूप का यूज़ पूजा पाठ में किया जाता है। के पास और यहाँ से स्टार्ट होता है नीलाकंडा, और यहाँ तक है जंगल ही जंगल। और जैसे ही हम गेट एंटर करते हैं, वैसे ही बड़ा सुकून मिलता है। कल तो बहुत रात हो गई थी, तो मैं आप सबसे शेयर नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड अब हम पहुँच गए हैं चोलिंग में, जहाँ से हमने कल ब्लॉग स्टार्ट किया था। और अभी टाइम की बात करूँ तो 2 बज गए हैं। तो आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।